गाइज, जब भी आप अमेज़ॉन पे कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या कोई न्यू लिस्टिंग क्रिएट कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन एड्स रन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में आपको अमेज़ॉन एड्स की स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं अमेज़ॉन पे या न्यू लिस्टिंग मैंने क्रिएट की है, तो कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूं अमेज़ॉन एड्स रन करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने पिछले काफ़ी टाइम से मैं अमेज़ॉन एड्स यूज कर रहा हूं, और जो भी मैंने जैसे जैसे मैं उसको इम्प्रूव करता जाता हूं, अपनी स्ट्रैटेजी भी चेंज करता जाता हूं। तो अभी मैं पूरा आपको अप टू डेट स्ट्रैटेजी जो मैं यूज कर रहा हूं वो आपके साथ शेयर करूंगा। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप अमेज़ॉन पर एड्स रन करते हैं, क्योंकि कई बार सेलर्स को पता नहीं होता है कि उन्हें कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए जिससे उनको कम कॉस्ट में अधिक से अधिक ऑर्डर्स मिल सके। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रकाश केसरी और मैं हूँ एक ई कॉमर्स सेलर। सो गाइस, मैं यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगा जो मैं करेंटली यूज कर रहा हूँ अमेज़ॉन एडवर्टीजमेंट करने के लिए। सो गाइस देखिए, जो भी कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं न्यू लेके आ रहा हूँ जिसे मुझे अमेज़ॉन पे सेल करना है, पहले तो मैंने रिसर्च करके प्रोडक्ट निकाल लिया कि ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन पे सेल करना है। अब जब मैंने देखा कि हाँ, ये प्रोडक्ट मुझे अमेज़ॉन पे सेल करना है, तो इसके लिए ऐड तो अब अमेज़ॉन पे चलाना बहुत ही मस्ट है गाइस, तभी आपको विजिबिलिटी मिलती है और तभी आपको ऑर्डर्स इंक्रीज होते हैं। तो एड्स चलाने के लिए सबसे पहले मैं स्ट्रैटेजी ये फॉलो करता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट मैंने लेके आया हूँ, तो एग्जैक्टली सबसे पहले तो किसी भी सेलर्स को ये नहीं पता होता है कि कौन से कीवर्ड पे एग्जैक्टली आपको ऑर्डर्स आएंगे और कौन से वो लिस्टिंग है आपके कंपटीटर के जिसको टारगेट करने से आपको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस प्रोडक्ट को लेकर के हम ऑटोमेट कैंपेन क्रिएट करते हैं। अब ऑटोमेट कैंपेन भी क्रिएट करने की एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी क्या है कि जब आप ऑटोमेट कैंपेन स्टार्ट करेंगे, रन करेंगे, तो जहां आप बिट डालते हैं कि कितना बिट आपको एक क्लिक कर रखना है, वहां पर आपको डायरेक्ट बिट नहीं डालना है। सबसे पहले आप वहां नीचे एक हिडन ऑप्शन होता है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आप देखिएगा आपको चार ऑप्शन शो करेंगे, क्लोज मैच, लूज मैच, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये जब आप इसको नहीं देखते हैं और कोई भी ऑटोमेट कैंपेन स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है कि सारे मिक्सअप हो जाते हैं एक ही कैंपेन में। इसके बहुत से लॉस हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है कि आपको कोई भी ऐड को अलग करके क्यों रन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ कि फर्स्ट ऐड जो मैं रन करूँगा वो सिर्फ आपका लूज मैच होगा, ठीक है, इसमें बाकी तीनों को मैं ऑफ कर देता हूँ। ये कैंपेन एक रन किया, उसके बाद सेम SQ का दूसरा कैंपेन ऑटोमेट रन करते हैं जिसमें क्लोज मैच पहले हमने कर लिया, फिर अब लूज मैच करेंगे और बाकी तीनों को क्लोज कर देंगे। तो इस तरह करके फोर कैंपेन हम रन करते हैं ऑटोमेट एक ही प्रोडक्ट के, क्लोज मैच पहला, दूसरा लूज मैच, तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री और तीसरा सब्स्टिट्यूट। तो सबसे पहला स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए आपका कि आप चार ऑटोमेट कैंपेन रन करें और चारों में अलग तीन ऑफ होना चाहिए और एक ऑन होना चाहिए। अब इसका प्रॉफिट ये होता है गाइज, मैंने इसका डिटेल वीडियो बना दिया है कि आपको कीवर्ड मिल जाते हैं। इसका अगर आपको डिटेल देखना है कि चारों क्यों अलग अलग स्टार्ट करना चाहिए, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया है कि वो जो आप मिक्सअप कर देते हैं एक ही कैंपेन में, उसको आगे जाके कैसे आपको लॉस होता है, ज़्यादा आपका क्लिक्स जाते हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आते, तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो एक बार जब आपने चारों कैंपेन बना लिया और रन कर लिया, तो इसे हम 2 वीक तक रन करते हैं। 2 वीक तक रन करने के बाद अब यहाँ पर मैं बजट बता देता हूँ, बजट कितना रख सकते हैं आप। देखिए, स्टार्टिंग में आपको हाई बजट रखना चाहिए ताकि स्टार्टिंग में हमारा फोकस जो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को ले लें कि कौन कौन से कीवर्ड्स पे ऑर्डर आएंगे। तो स्टार्टिंग में मैं हर कैंपेन का बजट 500 तक रख देता हूँ। कोई कोई अगर 500 से भी ज़्यादा अगर खर्च हो रहे हैं तो उसको इंक्रीज करते हैं, नहीं तो 500 तो रखता हूँ हर कैंपेन। यानी अगर चार कैंपेन बनाया है तो 2000 पर डे का बजट होता है, उतना एक्सपेंड नहीं होता है, लेकिन हम ऐसा लेके चलते हैं कि आउट ऑफ द बजट हमारा कैंपेन ना चला जाए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमारा फोकस क्या होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड लेने हैं कि ये कौन कौन कीवर्ड्स पे हमें सेल मिल सकती है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कुछ ज़्यादा लेके चलना पड़ेगा ऑटो कैंपेन में। आपका 2 कैंपेन ज़्यादा यहाँ पर एक्सपेंड करेगा, लूज मैच और क्लोज मैच, सब्स्टिट्यूट और जो कॉम्प्लीमेंट्री, वो कैंपेन आपका ज़्यादा बजट लेने वाला नहीं है। ये 2 ही कैंपेन जो है वो ज़्यादा बजट आपका लेगा, उसी पे ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। तो जो आपका क्लोज मैच है उससे आपको वो सारे कीवर्ड्स मिल जाएंगे कि किन किन कीवर्ड्स पे हमारा प्रोडक्ट सेल होगा या किस पे क्लिक्स आ रहे हैं, यूजर्स परचेज कर रहे हैं या फिर नहीं परचेज कर रहे। और लूज मैच से आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हो, यानी उसमें वो सारे एसाइन आ जाएंगे आपके सिमिलर कंपटीटर के।
तो ये हमें मिल जाएगा, और लूज और आपका कम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट से आपको ये मिल जाएगा कि कौन से प्रोडक्ट के साथ आप कॉम्बो बना सकते हो, या ये प्रोडक्ट की जगह अगर ये प्रोडक्ट कस्टमर को ऑफर किया जाए तो सेल हो सकता है। तो ये हम टू वीक तक ये हमारा रन हुआ, तो ये सारे कुछ डेटा हमारे पास आ गया। फिर आपको सर्च टर्म रिपोर्ट मैं डाउनलोड करता हूँ और उसको पूरा बढ़िया से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद कीवर्ड्स निकालते हैं, वो टारगेटिंग प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिनको टारगेट कर सकते हैं। अब कीवर्ड्स जब आप निकालोगे गाइस, तो आपको दो तरह के कीवर्ड्स मिलेंगे, एक मिलेंगे आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक मिलेंगे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो अब हमारा ऑटोमेट कैंपेन यहीं तक रहता है, अगर वो उस पर एकोस बहुत बढ़िया है, कम एकोस में अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो हम उसे स्टॉप नहीं करते, उसको चलने देते हैं, क्योंकि हमें अगर प्रॉफिटेबल है तो हम उसे क्लोज क्यों करें, वो चल ही रहा है। उसके बाद अब हम मैनुअल में भी शिफ्ट होते हैं, वो सारे कीवर्ड्स हमने निकाल लिए। अब हम क्या करते हैं कि कीवर्ड्स की दो कैटेगरी बनाते हैं, एक लॉन्ग टेल कीवर्ड, एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिसमें आपको देखिएगा 5-6 वर्ड होंगे। जैसे मान लीजिए आप वाटर बोतल सेल कर रहे हैं, उसका आपने कैंपेन बनाया ऑटोमेट कैंपेन, और आपको एक कीवर्ड मिलेगा जिसमें होगा वाटर बोतल इन ब्लू कलर। तो ये क्या है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, कस्टमर को एग्जैक्ट पता है कि उसको क्या परचेज करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस कीवर्ड को अलग करते, ये हो गया लॉन्ग टेल कीवर्ड, और एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, जैसे हो गया वाटर बोतल या फिर प्लास्टिक बोतल या फिर स्टील बोतल। तो ये सब क्या हो गया, शॉर्ट टेल कीवर्ड हो गए। तो दो कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया, लॉन्ग टेल कीवर्ड और शॉर्ट टेल कीवर्ड। अब मैनुअल कैंपेन जब हम बनाएंगे तो जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं उसका हम एग्जैक्ट बनाते हैं, एग्जैक्ट कैंपेन। अब जब मैनुअल बनाएंगे तो आपको तीन तरह के कैंपेन बनाने का ऑप्शन मिलता है जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, एग्जैक्ट कैंपेन, फेज कैंपेन और ब्रॉड कैंपेन। तो हम दो यूज करते हैं, एक फेज एक एग्जैक्ट। अब फेज में हम उन कीवर्ड्स को रखते हैं जो शॉर्ट टेल कीवर्ड है, जैसे वाटर बोतल, प्लास्टिक बोतल, दो तीन वर्ड के जो कीवर्ड है उसे हम फेज में रखते हैं, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है यानी वाटर बोतल इन ब्लू कलर या फिर वाटर बोतल इन वाइट कलर, जो भी हो इस तरह के लॉन्ग कीवर्ड्स अगर आपको मिलते हैं तो उसे हम लोग एग्जैक्ट में रखते हैं, क्योंकि कस्टमर एग्जैक्ट ये सर्च करेगा तो उसको वो प्रोडक्ट मिल जाएगा, और फेज में शॉर्ट टेल कीवर्ड रखते हैं। अब फेज और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस है अगर मैं बताऊं कैंपेन में, तो जैसे अगर आपने फेज कैंपेन बनाया है विथ कीवर्ड वाटर बोतल, तो कस्टमर अगर सर्च कर रहा है मान लीजिए 1 लीटर वाटर बोतल, तो आपका कैंपेन शो करेगा, ठीक है। अगर कस्टमर कर रहा है, कस्टमर सर्च कर रहा है स्कूल वाटर बोतल, तो स्कूल आपने ऐड नहीं किया, लेकिन आपका कैंपेन क्या है, फेज कैंपेन, तो वाटर बोतल आपका कीवर्ड है, तो वाटर बोतल के साथ अगर कस्टमर लगा देता है स्कूल वाटर बोतल तो भी आपका कैंपेन दिखेगा। लेकिन लॉन्ग टेल कीवर्ड अगर आपने यूज किया है वाटर बोतल इन रेड कलर, तो कस्टमर जब तक सर्च नहीं करता है कि वाटर बोतल इन रेड कलर, आपका कैंपेन शो नहीं करेगा। तो इस तरह का हम दो कैंपेन क्रिएट करते हैं, फेज कैंपेन और आपका एग्जैक्ट कैंपेन, ठीक है। तो ये हमने रन कर लिया मैनुअल, ये हमारा हो गया एग्जैक्ट। अगर ऑटोमेट प्रॉफिटेबल है और वो अगर प्रॉफिटेबल है तो हम उसे रन होने देते हैं, अगर प्रॉफिटेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई को एकोस जा रहा है, तो फिर उसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम ना मैनुअल में शिफ्ट हो गए। अब हमें फेज जो कैंपेन हमने क्रिएट किया है वो हमेशा हमको न्यू कीवर्ड्स जो है वो एक्सट्रैक्ट करके देता रहेगा। कैसे करके देता रहेगा, जैसे मान लीजिए हमने वाटर बोतल दिया है, तो वाटर बोतल एक कीवर्ड हमने दे दिया, तो हो सकता है कस्टमर अगर सर्च करे स्कूल वाटर बोतल, तो वो हमारा कैंपेन दिखाएगा, साथ ही वो कीवर्ड भी हमें दे देगा कि आपने कैंपेन चलाया था वाटर बोतल पर, बट कस्टमर ने सर्च किया स्कूल वाटर बोतल तो इस पे ऑर्डर आपको मिला है, तो वो कीवर्ड्स हमें मिलेंगे, अच्छे परफॉर्मेंस वाले कीवर्ड्स नए नए मिलते जाएंगे, तो उससे हम नए एड्स क्रिएट करते रहेंगे। अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड है तो एग्जैक्ट क्रिएट करेंगे, शॉर्ट टेल कीवर्ड है तो फेज क्रिएट करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, इस प्रोसेस को हम स्केलिंग प्रोसेस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको हर 4 डे या फिर आप वीकली कर सकते हो या फिर 4 डे में कर सकते हो, बेसिकली हम 4 डे में करते हैं। हर 4 डे में हम चेक करते रहते हैं, पूरा ऐड रिपोर्ट डाउनलोड किया, क्या नए कीवर्ड्स हमें मिले, कौन से कीवर्ड्स है जो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम लोग यहाँ पर स्केलिंग करते हैं, उसकी बिट को कम किया या अच्छे ऑर्डर दे रहे हैं तो बिट को इंक्रीज़ किया। तो ये हमारा 4 डे में चलता रहता है, और फिर आगे ये स्केलिंग का प्रोसेस चलता रहता है, ये एंडलेस प्रोसेस है, ये कि हमेशा एड कैंपेन चलता रहता है, अगर हम कम एकोस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लाने की यहाँ पर ट्राई करते रहते हैं। तो ये गाइस स्ट्रैटेजी है जो मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया। स्ट्रैटेजी हो सकता है आपको लेंथी लगे, लेकिन आप एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको पूरा एग्जैक्ट प्रोसेस समझ में आएगा। अभी तक जो मैंने ऐड जो भी अमेज़ॉन पर रन किया है या फिर जो भी कोर्सेज मैंने ज्वाइन किए हैं उससे जो कुछ मैं सीखता हूँ उस हिसाब से अभी मैंने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है। अब आगे जैसे जैसे मैं सीखता रहूँगा, इसको स्टडी करता रहूँगा, मैं आगे हो सकता है अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर लूँ, तो मैं फिर आपको अपडेट करके ज़रूर बताऊँगा। अमेज़ॉन एड्स का क्या है कि जितना ज़्यादा आप यहाँ पर टाइम स्पेंड करोगे, जितना ज़्यादा अमेज़ॉन के एड्स रिपोर्ट को यहाँ पर स्टडी करोगे और खुद से जितने ज़्यादा एड्स रन करोगे उतना ही ज़्यादा आप इनसे सीखते जाओगे।
तो गाइज ये था अमेजोन एड स्ट्रेटेजी का एक डिटेल्ड वीडियो जहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैं किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करता हूँ। ये तो मैंने आपको थ्योरी में बताया। अगर आपको इसका प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए, अमेजोन एड्स के और भी प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए जो मैंने आपको बताया वो करते कैसे हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज आज के वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू। अगर इसी तरह के डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे आप कमेंट कीजिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लिए सब्सक्राइब। चैनल में मैं आपके लिए ऑनलाइन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।